सिवान लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही पूर्व बाहुबली सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब के तेवर देखकर होश उड़ जाएंगे। आपके सिवान में गजब का मिल रहा है जन समर्थन। आज अपनी भावी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में खूब बोली हीना। चौधरी जी ने कहा कि ये शुरू से साहब के लिए एकदम दुदई बारी एक तरफा रहा है हमेशा से, और इस बार भी हमेशा की तरह एक तरफा रहेगा। तो मैं धन्य हूँ कि जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे सिद्धांतवादी लोग रहते हैं जो अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किए, आने जाने वाले लोगों पे कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ कि मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की धर्म पत्नी और शायद मेरे नसीब में ये दिन लिखा हुआ था कि सभी के स्नेह प्रेम से उनके जाने के बाद भी लगातार मुझे जिंदा रखा जाएगा, इस स्नेह प्रेम को बरकरार रखा जाएगा ताकि मैं जिंदा रहूं। और जिस भावनाओं से उन्होंने अपने घर से बाहर निकाला, सेवा भाव से मैं उस सेवा में हमेशा तत्पर रहूं, हर किसी के द्वार पे जाऊं और मुझे मान सम्मान मिले और मुझे भी बराबर और ज्यादा बढ़ चढ़ कर सभी को मान सम्मान के साथ अपने परिवार को मिलाकर चलना है। ये सिवान मेरा परिवार है। मैंने कहा था, मैं हम लोग 2-3 महीना पहले ही मुखिया जी के द्वार पर गड़ाड़ गए हुए थे, कोई चुनाव का मामला नहीं था। अचानक से मीडिया बंदों ने कर दिया कि अभी मैडम आप क्या कुछ कहिएगा चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सिवान का हर कलर का झंडा, हर रंग हमारा है। इसलिए मुझे सिवान जिला जो है वहाँ पर कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती, लगता है सब मेरा घर है, सारे लोग मेरे परिवार हैं। और ये परिवार और समय क्यों मिला, साहब को गए हुए 20 साल हो गए हम लोगों के बीच से। वो जेल गए 2003 में, 3 के बाद से बहुत विपरीत परिस्थिति आई और गई, 2-4, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए कभी मुलाकात हो गई। उसके बाद वो 2021 में वो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन आप सब लोग जब मेरे द्वार पे जाते हैं तो लगता है कि साहब हैं, आप सब के स्नेह प्रेम में वो दिखते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मैं इसी ताकत के साथ आप लोगों के बीच में आज खड़ी हूँ और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग हर लड़ाई को जीतने की कोशिश करेंगे और सबके मान सम्मान की हम लोग रक्षा करने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।